ये क्यों बढ़ता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ अपने चैनल फिट एंड फैब में। तो आज मैं कोलेस्ट्रॉल पे वीडियो लेकर आई हूँ कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल क्या है और क्यों बढ़ता है और इसके बढ़ने से क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। अभी कोलेस्ट्रॉल आ गया है बॉडी में, लोग घबरा गए। कोलेस्ट्रॉल होना भी ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होगा तभी हमारी जो है कोलेस्ट्रॉल की ही प्रेजेंट में सारे हार्मोन्स बनते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल जो कुछ हम खाते हैं, हमारे अंदर जो मैंने खाया वो फैट जो है जब ब्लड में मिलता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कई तरह के होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम HDL के उसमें जानते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको LDL के उसमें जानते हैं। तो ये तो दो मेन हैं। हमारे इंडिया में डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, तो जिसके ज़रिए कई उसमें बांट के पता चलता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड क्या है, HDL हमारा कितना है, LDL कितना है, VDL कितना है, और HDL अच्छा वाला है और LDL बहुत बुरा कोलेस्ट्रॉल है। अगर वो बढ़ जाता है तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ट्राइग्लिसराइड ये HDL से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये क्या होता है? ये जब हमारी बॉडी में ट्रांस फैट इकट्ठा होता है तो वो बजाय ब्लड के वो हमारी नलियों में पहुंच जाता है और हमारी नलियों को ब्लॉकेज कर देता है। ये बहुत ख़तरनाक फैट होता है, तो इससे हमें बचना है। तो अब ये बात करते हैं हम कि अगर ये किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो कैसे जाना जाए कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है। तो देखिए, अगर आपको थकान महसूस हो रही है, किसी काम पे फोकस नहीं है, बॉडी पेन हो रहा है, बैठे बैठे जवाई आ रही है, हर वक्त ऊंग आना, नींद आना, ये कोलेस्ट्रॉल हाई के लक्षण हो सकते हैं, फिर आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। अच्छा, आमतौर पे वैसे भी जो लोग स्वस्थ हैं पूरी तरह से, उनको भी साल में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए कि उनके इन बॉडी के अंदर की हालत क्या है। अभी आपको लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, एक दिन में कोई मर्ज नहीं आता है, वो अंदर ही अंदर आपका क्या बन रहा है ये या तो शरीर संकेत देता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थकान लग रही है, बैठे बैठे ऊंग आ रही है, काम पे फोकस नहीं जा रहा है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, बॉडी पेन कर रही है, तो ये सब सारे सिम्टम बताते हैं। अब अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि और ज़्यादातर कैसे है ये बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे आता है? बैड कोलेस्ट्रॉल आता है जब हम छोटी छोटी सी बातों में पेन किलर खाने लगते हैं, तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट बहुत गलत होता है। छोटी छोटी से उसमें नहीं खाना चाहिए, या तो फिर एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं, तो मेडिसिन से भी हमारा जो है कहीं ना कहीं ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, उससे हमारे जो है बॉडी में परेशानियां आ जाती हैं। तो अब ट्रांस फैट के लिए हमको बचना है, कैसे बचना है? हमें प्रोसेस फूड नहीं लेना है, हमें बार बार रीयूज़ किया हुआ ऑयल, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बाहर का खाना मना किया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े कढ़ाई में चढ़ा के और समोसा तलते रहते, बार बार उसी तेल को गर्म करते हैं, बार बार उसी तेल में पूरी पकौड़े समोसे कचौड़ियाँ बनती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रांस फैट होता है और वो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो स्टोर कहाँ होता, जाके हमारी नसों में स्टोर हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत घातक होता है। तो हमको, और बाहर का ही नहीं, लेडीज घर में भी करती है, एक बार कढ़ाई चढ़ाया और उसमें तल दिया, जो तलने के बाद तेल बचा उसको ढक के रख दिया, फिर उसी में कई बार पूरी पराठे और सब बनते रहते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा ही तेल लें जितना इस्तेमाल हो जाए, या अगर बचता भी है तो उसको नेक्स्ट टाइम फौरन ही किसी छानने के बाद सब्जी अब्जी उससे बना लें,
उसी तेल को बार बार रीयूज़ मत करें, ये ट्रांस फैट है, ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। और जब आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, डायबिटीज़ आती है, डायबिटीज़ के साथ फिर शुगर के साथ साथ हमेशा होता है ना कि हाई बीपी की शिकायत हो गई। तो इन तमाम चैलेंजेस से बचने के लिए आपको अलर्ट रहना है और देखना है कि हमारी बॉडी का BMI कितना है, BMI चेक कराते रहना चाहिए, जिससे पता चलता है कि हमारा विजरल फैट कितना है, हमारे अंदर वाटर इंटेक कितना है। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पहले अपनी बॉडी में आपको अपनी वाटर इंटेक कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी होती है तो आपके टॉक्सिन रिमूव नहीं होते हैं, जो टॉक्सिन बनते हैं तो आपको बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पानी को कंप्लीट करना है, जंक फूड से बचना है, वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा रीज़न जंक फूड है, जो आज बहुत तेज़ी से कल्चर बन गया है, फैल रहा है, कोई इससे बच नहीं पाता है, हमें इससे बचना है, कम से कम उसकी तरफ बढ़ना है। और अगर जो है बॉडी में देखिए फैट भी बहुत ज़रूरी है, जो ज़रूरी फैट है वो है गुड फैट, वो है HDL, हमें अपने HDL को बढ़ाना है, LDL को घटाना है। अगर हमारा HDL गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो हमें बहुत तरह की परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि गुड फैट क्या है, अच्छा वाला फैट, वो हमारा है Omega-3 फैटी एसिड। अगर हमारे अंदर Omega-3 की कमी होती है तो हमें ब्रेन से लेके आईज, हार्ट, नी प्रॉब्लम, हमारा जॉइंट्स, तो ये जो हमारे हेयर ड्राई हो जाएंगे, हमारे हेयर में जो ऑयलीपन है, जो हमारी आईज अगर ड्राई हो गई तो वो उसके अंदर भी आपको मोतियाबिंद, बहुत सारे आईज के चैलेंज आ सकते हैं, धुंधलापन आ सकता है। अगर हमारे अंदर जो है वाटर की जो है अगर गुड फैट नहीं तो हमारी स्किन एकदम ड्राई हो जाएगी, हमारे हार्ट को जब ये हमारा अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है ना तो उसकी प्रेजेंट में ही हार्मोन्स बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा तभी हमारा जो है विटामिन डी अब्जॉर्ब होगा, और विटामिन डी अगर होगा बॉडी में तभी हमारा कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा। तो ऑल ओवर हमें इस पे काम करना है, इसको समझना है कि हमारी बॉडी को की जो नीड है वो हम उसको कहाँ तक सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी को ज़रूरी है वो हमें देना है। अगर हमारे अंदर गुड फैट की कमी हुई, हमारा HDL कम हो गया, तो जो जॉइंट्स में जो कुशन का काम करता है, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि लुब्रिकेंट्स जो होता है, जो जिसको ग्रीसिंग बोलते हैं, तो अगर वो नहीं होगा तो जॉइंट्स आपस में रगड़ खाएंगे, तो वो और बड़ी परेशानी, बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। इस फिर हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा, अगर लीवर काम नहीं करेगा अच्छे से तो किडनी इफेक्टेड होगी, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमको किस तरह से अपने ये HDL को कंप्लीट करना है, मैं अगली वीडियो इस पर लाने वाली हूँ कि किस तरह से हम क्या काम करें, क्या डाइट लें कि जिससे हमारा जो है HDL बढ़े और LDL हमारा जो है घटे। आज मैं इसके ऊपर डीपली नहीं जाऊंगी क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल यही करना है कि जंक फूड से बचना है आपको ट्रांस फैट से बचना है, प्रोसेस वाले पैकेट फूड से बचना है, और अपना वाटर इंटेक कंप्लीट करना है, बॉडी में Omega-3 की मात्रा को कंप्लीट करना है। इसके लिए आप अच्छे से जो है जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें Omega-3 है उसको आप अपनी बॉडी में ज़रूर शामिल करें, और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक कराते रहें, कहीं ना कहीं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, HDL घट गया और LDL बढ़ गया, और सबसे ख़तरनाक
है ट्राइग्लिसराइड, अगर वो बढ़ता है तो वो नसों में जाके जमता है, ब्लड को गाढ़ा करता है, फिर क्या होता है आपको एंजाइना पेन होता है, हार्ट की डिसीजेज शुरू हो जाती है यहीं से, स्ट्रोक आना और आपको हार्ट अटैक आना, ये सब तमाम परेशानियां, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो ये सब इन चीज़ों से बचना है तो आपको अलर्ट रहना है, आपको जानना है, गुड न्यूट्रिशन लेना है, अपनी डाइट में न्यूट्रिशन की को शामिल करना है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं, और सबसे मेन बात यह है कि आपको अपना वेट मेंटेन करना है। अगर आपका वेट बढ़ा या आपका जो है पेट का एरिया, स्टमक बड़ा हो रहा है, पेट बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है, तो उसको आपको ज़रूर रोकना है। और फिर मैं यही कहूँगी कि आपको 30 से 40 मिनट का वॉक ज़रूर करना है डेली, मॉर्निंग इवनिंग नहीं तो कम से कम आप दिन भर में 10,000 स्टेप कंप्लीट करें, और 30 से 35 मिनट 40 मिनट तक आपको वर्कआउट एक्सरसाइज करना लाजमी है, ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे, आप इलनेस से वेलनेस की तरफ जाएं, तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो आपको लाइक शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, और इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हर्बल लाइफ में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो बीटा हार्ट नाम से एक न्यूट्रिशन है जो 15 पाउच होते हैं, उसमें आप डेली 1 पाउच लेना होता है, और ये गारंटी के साथ है कि आप अपना पहले टेस्ट करा लीजिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके 15 बाद आप ये लेने के बाद और उसको टेस्ट कराइए और आपको देखिए कितना बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज कंपनी की तरफ से आपको फुल पैसा वापस होगा, 30 डेज मनी बैक गारंटी रहती है। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है, आप अपनी डाइट से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो एक बार बीटा हार्ट को जो है अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, और आफ्टर 15 डेज देखिए आप कितना रिलैक्स फील करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, और एक बार फिर मैं कहूँगी, अगर आपने अब तक सब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं, और लाइक करना मत भूलें, और अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे बताएं। अगर आपकी कुछ क्वेश्चन हैं या आप पूछना चाहते हैं कि ये बीटा हार्ट कैसे आएगा, कहाँ से मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी।